नमस्कार, आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर, लेकिन शुरुआती तेजी के बाद मार्केट्स ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े। शुरुआत में 17,700 के ऊपर भी निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बाद में प्रॉफिट टेकिंग आई। IT को छोड़ के सभी सेक्टर लाल निशान बंद होते हुए दिखाई पड़े, और IT में भी बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, शुरुआती तेजी वहाँ पर भी ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन मिड कैप IT में तेजी थी। L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट जो कि आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा था। एक अच्छी खरीदारी पूरे स्पेस में थी, स्पेशली मिड कैप स्पेस में, और फ्रंट लाइन में जो IT कंपनीज थी वहाँ पर उतनी ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था। हाँ, प्रेशर था आज एनर्जी स्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस में, जहाँ पर बिकवाली थी, रिलायंस, BPCL, HPCL, गेल, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मिड कैप स्मॉल कैप में सेलेक्टिव स्टॉक, सेलेक्टिव सेक्टर जो कि आज तेजी में थे, लेकिन बाकी आज मोर लेस एक बड़ी तेजी के बाद आप ऐसे समझिए कि पिछले एक हफ्ते में ही, जहाँ पिछले हफ्ते मंडे के दिन ही 16,780 का लो निफ्टी ने बनाया था, और वहाँ से एक तरफा तेजी दिखा के आज 17,700 तक के जोन्स भी दिखा दिए, तो एक 1,000 पॉइंट की जोरदार तेजी। उसके बाद अब थोड़ा सा अगर बैकफुट पे मार्केट आ रहा है, थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज बाइंग थी कैपिटल गुड स्पेस में, सीमेंस आज फिर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, सिलेक्टिव स्टॉक्स थे वहाँ पर भी जो तेजी में कामकाज करते हुए दिख रहे थे, लेकिन हाँ आज क्लियर कट दिन था वो आपको जो था वो मेजरली IT स्पेस के अंदर ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा कुछ और हाईलाइट्स की अगर बात की जाए तो आज करीब करीब 77 अंकों की गिरावट रही मिड कैप इंडेक्स में, निफ्टी बैंक 180 अंक टूटा, निफ्टी के 50 में 36 शेयरों में गिरावट रही, निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयरों में आज गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी, सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, और उसके अलावा आज रियल स्टेट स्पेस एक और ऐसा स्पेस था जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली दो शेयरों को छोड़ के बाकी सभी शेयर सेक्टर के लाल निशान के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बिकवाली आज इंटेंसिटी हाई आपको दिखाई पड़ेगी, हायर लेवल से अगर आप बिकवाली देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, लेकिन अदरवाइज इतनी ज़्यादा कोई फॉल मार्केट में नहीं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ओवरऑल अभी भी मूड माहौल जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही है, और जानकारी यही मान रहा है कि ये जो एक बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा ईज आउट हुआ मार्केट, तो इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ आना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आप बाजार के ऊपर रणनीति बना सकते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे हम सवाल जवाब का सिलसिला और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, टाटा कॉम में फाइनली रिकवरी। शुक्रिया तिब्रेवाल साहब, अच्छी कंपनी अच्छे दाम पर हमेशा खरीदारी करनी चाहिए, जो कंपनी लॉस मेकिंग हो उससे दूर रहना चाहिए, उन कंपनियों से बचें जब तक उसमें सिचुएशन ना पलट रही हो। मिसाल तौर पे से इंडिया बुल्स रियल स्टेट, CG पावर, इनमें लॉस थे जब मैं इनको बोलता था, लेकिन उसमें रिकवरी आ रही थी, नंबर चेंज हो रहे थे, मैनेजमेंट आ गया था नया, तब वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन अब जब प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ रहना हमेशा बेहतर रहता है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। शुड आई स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग रिलायंस अगेन, आई वॉन्ट टू इंक्रीज नंबर अप टू 2000, इज दिस एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट मोर इन दिस स्टॉक? पांडे साहब देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो देश की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा ग्रुप, दूसरी चीज़ बड़ी तेज़ी के बाद, हाँ मतलब अभी भी ये ऑब्वियस बात है अपने हायर लेवल्स के आसपास, और ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको बहुत एग्रेसिव मूव देगा, लेकिन ये वो स्टॉक है जो स्लोली चलता रहेगा। आप पिछले कई साल की हिस्ट्री देखेंगे तो रिलायंस को ऐसी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई है, लेकिन स्लोली एक मूव देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, अगर आपको इसमें पोजीशन लेनी थी तो जिसका राइट इशू आया था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील था आपके लिए, अभी भी कोई बुरी डील नहीं है, नीचे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है आपके देश के जितने बड़े फंड एनालिस्ट हैं सबके होल्डिंग में, सबके पोर्टफोलियो में शेयर होता ही है, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। देश की नंबर वन कंपनी है, रिटेल है, टेलीकॉम है, सारे वेंचर्स के अंदर है, लेकिन उस तरह की सिचुएशन कभी क्रिएट होना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आपको मिला रिलायंस का ही शेयर, लेकिन तीन हिस्सों में पेमेंट करना पड़ा तो आपकी कॉस्ट ईज आउट कर देता, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसमें पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन नज़रिया ऑब्वियसली बात आपका लंबी अवधि का ही होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आरती, टाटा केमिकल, SRF, एक्शन। अमन अग्रवाल साहब का सवाल है, 100 शेयर हैं आरती के, टाटा केमिकल के एंड SRF के, वॉन्ट टू कीप 1 शेयर आउट ऑफ ऑल, विच वन शुड आई कीप? सर मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कि आपको टाटा केमिकल रखना चाहिए पहले तीनों में से। SRF भी अच्छी कंपनी है, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत भागने के बाद, एडजस्ट होने के बाद नीचे मिल रहा है, तो आपके पास बोनस के शेयर आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपको वो शेयर भी मिल गए हैं तो आप उनको रख कर एग्जिस्टिंग पोजीशन से निकल सकते हैं। अगर आपने वो शेयर नहीं लिए हैं उसके बाद लिया है तो आप टाटा केमिकल में बने रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके
सुजलॉन पर व्यू। नीलम जी, क्या व्यू दूस पर, मतलब ये आप उस श्रेणी में से रखिए जैसे आजकल, क्योंकि हर हाई डेट वाली कंपनियां चल रही है, HCC चल रहा है, रिलायंस इंफ्रा चल रहा है, रिलायंस पावर चल रहा है, सुजलॉन चल रहा है, आइडिया चल रहा है, तो ये उस कैटेगरी में है आजकल, तेजी में है तो कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, लेकिन सिचुएशन में कोई फेरबदल अब तक तो नहीं हुआ है। आपके पास हैं तो आप ऑब्वियसली बातें बनी रहेंगी, मेरे कहने से निकलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नया निवेश सिर्फ इसलिए कि वो शेयर चल रहे हैं मत करिए, टिल द टाइम उसके नंबर इंप्रूव हो जाए। मान लेते हैं सुजलॉन के नंबर इंप्रूव होने तक भाव 14 रुपये आता है, मान लेते हैं, लेकिन नंबर इंप्रूव हो गए तो वहाँ से स्काई इज़ द लिमिट, ऊपर तो कुछ भी लिमिट नहीं है ना, नीचे लिमिट है। तो इसीलिए अगर नंबर इंप्रूव हो जाए थोड़ा महंगा ही मिलेगा ना, लेकिन उसके बाद तो सिचुएशन आपको पता ही है, अभी सिचुएशन नहीं पता है इसलिए अनसर्टेनिटी है, अवॉइड करें जब तक। अगर आपके पास हैं तो बात अलग है, लेकिन नहीं है तो नए निवेश के लिए आप उसमें मत जाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं और कैम्स चौहान साहब, इनफैक्ट कई सारे सवाल हैं, चौहान साहब का खाली मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन आज ब्लॉक हुआ एक 7.5% इक्विटी का एक ब्लॉक हुआ था, उस ब्लॉक के बाद वो शेयर नीचे आया 950 करोड़ रुपये के आसपास की, वो पूरी डील पड़ी है, किसने लिया है अभी तक क्लैरिटी नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज कंपनी कारोबार बुरा नहीं है, हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। आप सो फार इनकी सिचुएशन पे, इनके नंबर्स पे, किसने ब्लॉक में पैसा डाला है उस पर नज़र रखें, 2-4 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज आप इसमें बने रहें, इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो ईज आउट तो होगा ही ना, होने दीजिए थोड़ा सा, ब्लॉक के जो क्लैरिटी आएगी या डिटेल आएगी उस पर आप ज़रूर नज़र रखिए, किसने लिया, क्योंकि किसने बेचा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किसने लिया इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज कंपनी में कोई ऐसा इशू नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, इज केमिकल सेक्टर अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, अग्रवाल साहब हाँ क्या दिक्कत है, केमिकल तो बढ़िया है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से वाली कंपनी के साथ रहना चाहेंगे, साइक्लिकल मूव ज़्यादा रहते हैं इनमें, लेकिन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चले बहुत हैं, आप दीपक नाइट्राइट देख लीजिए या बाकी केमिकल कंपनी SRF जैसी देख लीजिए, चले बहुत हैं, प्राइसेस की वजह से चलते हैं, यूजुअली रिलाइजेशन अच्छे हो तो चल गए, तो अभी की तेज़ी को ज़रा ईज आउट होने दीजिए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, वो क्लियर होगी। बाकी नंबर्स पिछले 10 साल के पढ़ लेंगे तो अपने आप ही आप समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी कंपनियाँ सेक्टर है, लेने लायक है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली हर कंपनी 10% की भी ग्रोथ दिखा रही है जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं तो आप आराम से उसमें बने रह सकते हैं, 10% 20% की ग्रोथ ख़राब नहीं होती, कोई भी कंपनी 20% की ग्रोथ सालाना दिखा रही है तो बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। HUL, एशियन पेंट, पीडीलाइट जैसी कंपनियाँ हैं वो जिनकी 20-25% की ग्रोथ मिलती है साल की, तो ऐसी ग्रोथ जिस कंपनी में मिल रही हो आप आराम से बने रहिए, कोई इशू नहीं उनके साथ। प्रिंस पाइप एंड ICICI बैंक, इज इट राइट लेवल टू बाय, मित्तल साहब ICICI बैंक में तो आज सुबह ही किसी ने राय दी थी बाय साइड पे, आशीष थे शायद, आशीष जो हमारे जानकार हैं NAV इन्वेस्टमेंट वाले, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी और वो तेज़ी मान रहे हैं, और ICICI बैंक ऑब्वियसली बात है फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है, नियर टर्म में भी वो तेज़ी मान रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए 1000 रुपये के टारगेट्स भी सुन रहे हैं, तो आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, नया निवेश भी कर सकते हैं। प्रिंस पाइप के केस में आप इनसे कंपैरिजन नहीं है, एटलीस्ट ऑब्वियसली बात है, आप एक तरफ ICICI बैंक रख रहे हैं दूसरी तरफ प्रिंस पाइप, तो वो तो नॉन फीजिबल है, लेकिन बेटर यही है कि आप ICICI बैंक के साथ रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ICICI बैंक शुड आई, इस पर बात हम कर चुके हैं ICICI बैंक पे। एक्सिस बैंक, जैन साहब एक्सिस बैंक के केस में भी मतलब टॉप 5 बैंक्स के अंदर तो आता ही है, कम से कम शायद 2 साल पहले एक NPA को लेकर सिचुएशन थोड़ी ज़रूर ख़राब हुई थी, लेकिन हैविंग सेड दैट सूटी का जो स्टेक था 3 मेगा कंपनीज़ में LNT, एक्सिस एंड ICICI, वो धीरे धीरे ईज आउट हो रहा है, और जैसे जैसे वो ईज आउट होगा इस कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा तीनों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही एग्जिट करती चली आएगी पूरा वैसे हैंगओवर ख़त्म होगा कि ऊपर के लेवल बिकेगा, तो वो अब शायद ईज आउट हो गया इन सब के लिए, तो आप बने रहिए। वैसे भी एक्सिस बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको बने रहने में, टॉप 5 बैंक्स के अंदर आप हमेशा बने रह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन एक्सिस, HDFC, ICICI, कोटक, स्पेशली कोटक, इनको आप अवॉइड मत करिए। स्पेशली कोटक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ICICI बैंक, HDFC बैंक के केस में उनकी सारी सब्सिडरीज लिस्टेड है, मिसाल के तौर पे ICICI की सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ICICI का लोम्बार्ड लिस्टेड है, जनरल इंश्योरेंस लिस्टेड है, प्रूडेंशियल मतलब लिस्टेड है, लेकिन HDFC केस में HDFC लाइफ लिस्टेड है, HDFC बैंक का HDFC हाउसिंग डिपार्टमेंट लिस्टेड है, और आप HDFC में AMC लिस्टेड है, लेकिन कोटक का कोई कारोबार लिस्टेड नहीं है, सारा कारोबार उनके अंदर है। तो अगर उस तरह की ग्रोथ जो सेक्टर के बाकी पीयर दिखा रहे हैं, अगर वही ग्रोथ या उससे थोड़ी भी कम ग्रोथ कोटक की सब्सिडरी भी दिखा रही हैं
तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसका अंदाज़ा लगा लीजिए आप खुद ही, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर ही है अभी और कभी ना कभी वो वैल्यू एक्सप्लोड होनी चाहिए। तो कोटक के अंदर ज़्यादा वैल्यू है इन सब के कंपैरिजन में, आप उस हिसाब से उसको देखिएगा। ओके, शुड आई परचेज SBI कार्ड एट दिस लेवल? पटेल साहब, ईज आउट तो हो रहा है, मतलब पहले से तो बहुत बेटर हो गई सिचुएशन लेने के लिए। और याद रखिएगा, फॉलिंग मार्केट में रिस्क सबसे कम होता है किसी भी शेयर को लेने का, जब वो अपने बॉटम के आसपास होता है। मार्च का लो 650 रुपये के आसपास था, बहुत ही बेसिक अर्थमेटिक आपको बता देता हूँ। आप मार्च के समय पर, जो मार्च 2022 में जो लो बनाया था, उस समय का प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, उस साल का प्रॉफिट देख लीजिए भले कितना है, वो ट्रबल टाइम था, और आज का प्रॉफिट देख लीजिए कितना है। अगर कंपनी उस तरह के प्रॉफिट में वो भाव दिखा रही है जो उस समय था, तो प्रॉफिट तो बढ़ा लेकिन भाव कैसे हो गया बिना एडजस्टमेंट के, तो इसका मतलब वैल्यू है, आप जा सकते हैं। तो आप वो वैल्यू देखिए और एंटर कर जाइए। ओके, फ्रेश एंट्री इन विच स्टॉक ऑफ HDFC ग्रुप? टिब्रेवाल साहब, मेजरली सारे के सारे स्टॉक 52 वीक्स लो पे ही काम काज कर रहे हैं, और एक ग्रुप ही इनफैक्ट बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पर आ गया है। तो आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग फील्ड मानते हैं, हाउसिंग फाइनेंस तो HDFC लिमिटेड, बैंक तो HDFC बैंक, लाइफ तो HDFC लाइफ ऑब्वियसली, और इंश्योरेंस AMC कारोबार तो HDFC AMC। तो प्रायोरिटी में HDFC, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, ऐसे प्रायोरिटी रख के आप एंटर कर सकते हैं। ओके, गुड एंट्री पॉइंट फॉर BSE? विवेक साहब, मेरे हिसाब से तो वैल्यू पॉइंट BSE का 450-450 रुपये होगा, लेकिन वो तो अब नहीं मिलता। तो फीजिबल यही है कि यहाँ से 30% का करेक्शन जिस दिन मिले आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि BSE की डिविडेंड ईल्ड 6% थी जब वो 400 रुपये के आसपास आया था, वैल्यू तब थी इसमें। तो ट्रबल टाइम में बढ़िया स्टॉक को लेना हमेशा अकलमंदी होती है। कुछ दिन पहले मिसाल तौर पे टाटा कम्युनिकेशन, मेरे को कम से कम 25 सवाल आए होंगे इसी चीज़ को लेकर कि टाटा कम्युनिकेशन चलता क्यों नहीं है। आप बोलते हैं अच्छी कंपनी, चलता क्यों नहीं है? आज आपको दिख ही रहा टाटा कम्युनिकेशन 1470 रुपये आ गया। बुरा समय था, बीत गया, अच्छा समय आएगा, वही बीत ही जाना एंड ऑफ द डे। लेकिन खैर, बेस्ट इज ऐसे कोई ट्रबल टाइम में मिले सिचुएशन तो आप ज़रूर एंटर करिएगा। ओके, बजाज फाइनेंस 6250, कोई इशू नहीं है ऋषभ साहब, आराम से इसमें आप बने रहिए, कोई कुछ भी मत करिए। नीचे मिले आपकी खरीदारी से थोड़ा और, एक शेयर, दो शेयर, पाँच शेयर, दस शेयर, धीरे 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 ऐड करते रहिए। अच्छी कंपनी है, कारोबार आपको पता ही है क्या करती है, मेजर मार्केट शेयर है। टिल द टाइम वो मार्केट शेयर नहीं जा रहा तब तक तो ये है। आपको अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो सबसे अच्छा तरीका है बिग बाज़ार जाइए, शॉपर स्टॉप जाइए, वहाँ पर अगर आपको कपड़ों की EMI होनी है तो बजाज फाइनेंस करेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जाइए, अपने आप ही पता कर लीजिए बजाज सबसे ज़्यादा फाइनेंस कौन करता है, उससे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आने लग जाएगी और उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। ओके, 1500 शेयर की EC ट्राइडेंट। राजीव साहब, ट्राइडेंट के क्या भाव पे खरीदारी, 1500 रुपये? खैर, ट्राइडेंट तब भी मेरे हिसाब से ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूटेड वाला शेयर था और आज भी। तो आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप ये कर सकते हैं कि आउट ऑफ पूरी पोजीशन अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए और प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए। KEC ज़्यादा बेटर है, ऑब्वियसली बात है, बहुत पुरानी कंपनी है, गोयनका ग्रुप ही कंपनी है, मासिव प्रोजेक्ट्स में काम करती है और कैपिटल गुड्स स्टैम्प बस भी है, तो उसमें तो आप बने रहिए। लेकिन ट्राइडेंट के केस में आप ये करिए कि आपको तेज़ी मिलती है तो अपने जो प्रॉफिट है उसको निकाल लीजिए, कॉस्ट जो है उसको निकाल लीजिए, प्रॉफिट शेयर छोड़ दीजिए, बहुत सारी क्वांटिटी फिर भी बचेगी। उनके साथ हमेशा बने रहिए, जहाँ मर्जी जाए उसके हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं। और वेल्सपन एंटरप्राइजेस, दीपक साहब, वैसे तो ये पूरा सेक्टर का मतलब जो स्पेस है, इसमें दो ही कंपनियां वाला, इस ग्रुप की दो ही कंपनियों में दम रहता है हमेशा यूजुअली, या तो वेल्सपन कॉप या वेल्सपन इंडिया, वो टेक्सटाइल में है और वो पाइप में है। वेल्सपन एंटरप्राइज में आमतौर पर कोई मूव आता नहीं है, इन दोनों में तेज़ी आती है तो वो भी साथ साथ चलता है। तो ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। अब आप मोमेंटम प्ले करना चाह रहे हैं तो ज़रूर बने रहिए, लेकिन जाना चाहते हैं पाइप में तो कॉप और टेक्सटाइल में तो इंडिया, इसके हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी। ओके, लास्टली सुबेक्स 58, ललिता जी का सवाल। ललिता जी, इसमें दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, एक तो टेक महिंद्रा की मैनेजमेंट में से एक बड़ा नाम सुबेक्स के अंदर आया है जो इन्होंने फ्राइडे को क्लैरिफिकेशन दिया था, दूसरा इनका एक सॉफ्टवेयर भी हैक हो गया था जिस पर उन्होंने बात आज ही क्लैरिफिकेशन दिया है कि उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं कंपनी के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, आप बने रहिए, अपसाइड है इसमें काफ़ी, हायर लेवल से काफ़ी टूटा और बहुत लंबे समय के बाद इसने अपना 57 का लेवल पार करके क्लोजिंग दी है, तो लग रहा है टेक्निकली भी शायद चल जाएगा, तो आप बने रहे ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे और हमारे साथ जुड़े।